हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीमीटर के बारे में। क्या होता है मल्टीमीटर आपको बताना है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको पता है कमेंट करेंगे, नहीं तो हम इसके बारे में समझ ही रहे हैं क्या है मल्टीमीटर। तो जो मल्टीमीटर होता है, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो, मल्टीमीटर, मल्टी का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक या फिर अधिक, बहुत ज़्यादा अधिक जो जानकारी को मेजर कर सकेगा। मीटर का क्या करता है, हमारा कोई सा भी मीटर होगा वो किसी न किसी राशि को, क्वांटिटी को मापेगा। तो ये जो आपको, आपने कहीं पर देखा होगा, टेक्निकल फील्ड से आप अगर बिलोंग करते हैं तो बहुत बार आपने देखा होगा इसके, इसे कहते हैं हम मल्टीमीटर, है ना। इसी का एक और नाम होता है एवोमीटर। क्या होता है, एवोमीटर भी बोलते हैं इसको। एवोमीटर का मतलब क्या होता है, मतलब एवोमीटर मतलब होता है ए से एमीटर होता है, क्या होता है, एमीटर होता है। वी से होता है आपका वोल्ट मीटर, है ना, और ओ से होता है आपका ओहम मीटर। क्या होता है, ओहम मीटर होता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एवो मीटर। ए से एमीटर क्या करता है आपको पता है, करंट को मापता है, जिसे हम कहते हैं धारा, आई से डिनोट करते हैं। वोल्टेज, जो वोल्ट मीटर होता है वो कौन मापता है, क्या मापता है, वोल्टेज मापता है, है ना, या फिर इसकी को हम कहते हैं पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है वोल्टमीटर ही हमारा, है ना। और ओम मीटर क्या करता है, ओम मीटर हमारा प्रतिरोध मापता है, क्या मापता है, प्रतिरोध को मापने का कार्य करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एवो मीटर कहते हैं, है ना। अब इसमें आपको समझा दूं क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो डीसीवी, डीसीवी का मतलब क्या होता है, डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज कितना मेजर करके बताएगा ये आपको, 200 मिली वोल्ट से लेकर आपका वोल्टेज बताएगा 1000 वोल्ट तक का आपका ये वोल्टेज यहाँ पर आपको शो करेगा। कितना करेगा, 1000 वोल्ट तक का भी ये वोल्टेज शो करेगा। ये जो आप यहाँ पर रोटरी स्विच, इसको क्या बोलते हैं, रोटरी स्विच बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं रोटरी स्विच, या फिर सेलेक्टर स्विच भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। इसी का एक और नाम क्या होता है, सेलेक्टर स्विच, है ना। चलिए, यहाँ पर डीसी वोल्टेज को मैं मापेगा, ये जो नॉब अगर ऑफ पर है तो आपका मीटर पूरा ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर एसीवी लिखा है, एसीवी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो वोल्टेज होगा वो मेजर करेगा। कितना करेगा, तो ये 200 वोल्ट से लेकर 750 वोल्ट तक कर सकता है। कितना कर सकता है, 200 वोल्ट से लेकर 750 वोल्ट, मतलब आइडियल हमारा जो हम घरों की सप्लाई होती है वो चेक कर सकते हैं, है ना, टू फेज की सप्लाई भी चेक कर सकते हैं। कितना होता है सिंगल फेज सप्लाई में, कितना होता है, 230 वोल्ट से 250 वोल्ट हमारी ये घरों की सप्लाई होती है, डोमेस्टिक सप्लाई होती है ना। या फिर हम टू फेज की बात करेंगे तो टू फेज में कितना होता है, 440 वोल्ट होता है ना। आपने देखा होगा 415 वोल्ट लिखा हुआ देखा होगा कहीं भी पैनल्स वगैरह पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप डी सी ए देख रहे हो, डी सी ए का मतलब क्या होता है, डी सी ए का मतलब होता है, ए का मतलब आपको पता है धारा होता है, एमीटर होगा, है ना। देखते हैं हम क्या लिखा है, डी सी ए लिखा है, तो डी सी का मतलब डी सी करंट मेजर करेगा, ए से होता है हमारा एमीटर, मतलब डी सी प्रकार का एमीटर बन जाएगा अगर इसको सेलेक्ट करते हैं। अब कितने मेजर कर सकता है ये, तो आपको दिखा रहा है यहाँ पर 10 एम्पियर तक की करंट डी सी वाली मेजर कर सकता है, कितने, 2000 एम्पियर से, मिली माइक्रो एम्पियर से, है ना, 2000 कितना है यहाँ पर, 2000 माइक्रो एम्पियर की करंट से लेकर ये माप सकता है आपकी 10 एम्पियर तक की करंट को माप सकता है। पर कौन सी होना चाहिए, बस डीसी सप्लाई होना चाहिए, है ना। चलिए अगला इसी में देखते हैं हम। यहाँ पर एक और नॉब दिख रहा होगा आपको, ये इधर, है ना, ये जो आप साइन देख रहे हैं ओमेगा का साइन, है ना। तो कितना रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है, 200 ओम से, कितना, अगर रेजिस्टेंस की बात करें हम, है ना, रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस हम किस में, ये जो हमारा ओमेगा का साइन है ना, तो कितना, 200 ओम से लेकर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 200 ओम से लेकर कितना दिया गया रेटिंग इसकी, 2000 के ओम, ठीक है, 2000 किलो ओहम तक का ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध माप सकता है हमारा जो मल्टीमीटर होता है, उसकी रेंज इतनी होती है ना। यहाँ पर आपको 3 लीड्स दिख रही है ना, 3 टर्मिनल्स दिख रहे हैं। तीनों टर्मिनल के क्या काम होते हैं, इनमें से जो 3 टर्मिनल होते हैं, क्या होते हैं आपके टर्मिनल होते हैं, उनमें से 2 लीड जो होगी आपकी पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव की होती है, और एक जो लीड होती है उसमें होती है कॉमन की, ठीक है, कॉमन लीड होती है। कौन सी वाली कॉमन होगी, ये जो ब्लैक वाली लीड होगी, है ना,
ये कॉमन की होगी, बाकी ये दो सर्कल यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, है ना, वन और ये टू, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज कब करते हैं, जैसे यहाँ पर आप क्वांटिटी देख रहे होंगे, देखिए इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ 10 एम्पियर डीसी सप्लाई, अगर मेजर करना है तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, यदि आपको जनरल सप्लाई जो कम एम्पियर की करंट मेजर करना है तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, इसमें लगा कर रखेंगे, है ना। इस मल्टीमीटर का मॉडल की बात करें तो हम कौन सा है, DT830D डिजिटल मल्टीमीटर है, है ना। यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिलती है, ये डिस्प्ले पर आपको जो भी डिजिट होगा वह यहाँ पर शो होगा, HV का मतलब हाई वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहा है ना, हाई वोल्टेज की सप्लाई होगी। इससे हम ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकते हैं या कंटिन्यूटी टेस्ट, यहाँ पर ये आप जो कॉलम देख रहे हैं ये कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए होता है, क्या कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए, और डायोड भी टेस्ट कर सकते हैं आप, इससे क्या कर सकते हैं, डायोड आपके टेस्ट कर सकते हैं, है ना। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को करेंगे लाइक, है ना, और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको करेंगे शेयर, जिनको ये जानकारी अच्छी लगी हेल्पफुल लगी होगी वीडियो को लाइक करें, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।